जब भी किसी दो बड़े नेताओं की बैठक या फिर कोई वैश्विक सम्मेलन होता है तो इन दिनों अक्सर दो शब्दों पे जोर देकर चर्चा की जाती है, वो है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन पर इतनी चर्चा क्यों होती है, यह किस प्रकार से आपके और हमारे जिंदगी को प्रभावित कर रहा है, आखिर क्यों एक आम इंसान को इसकी चिंता करने की जरूरत है। सच कहूँ तो जी हाँ, आज यह इस तरीके से हमारे जीवन पर असर डाल रहा है कि यह हमारी जरूरत हो जाती है कि इसके बारे में समझे। पिछले दिनों भारत के दौरे पर आए जलवायु परिवर्तन पर अमेरिकी राष्ट्रपति के विशेष दूत जॉन कैरी ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि भारत जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में वैश्विक मंच पर एक बड़ा भागीदार है। जॉन कैरी ने कहा कि भारत द्वारा जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में उठाए जाने वाले निर्णायक कदम अब यह निर्धारित करेंगे कि आगामी पीढ़ियों के लिए इस परिवर्तन के क्या मायने होंगे। जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक शिखर सम्मेलन के पहले व्हाइट हाउस ने कहा है कि शिखर सम्मेलन से पहले अमेरिका 2030 तक उत्सर्जन के एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य की घोषणा करेगा। मौजूदा वक्त में भारत दुनिया में कार्बन डाइऑक्साइड के 4% उत्सर्जन के साथ तीसरा सबसे बड़ा देश के रूप में जाना जाता है। देश में लगभग 2/3 ऊर्जा को बनाने के लिए जीवाश्म इंधनों पर निर्भर होना पड़ता है। जॉन कैरी भारत क्यों आए थे, उन्होंने किन किन प्रमुख विषयों पर भारत से बात की, जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया जा रहा है, कार्बन के शून्य उत्सर्जन को लेकर भारत की स्थिति क्या है, भारत कैसे इस दिशा में आगे बढ़ सकता है, इन सभी सवालों के जवाब हम आपको आज विस्तार से बताएंगे। जॉन कैरी भारत क्यों आए थे, इसका जवाब यह है कि पूरी दुनिया में जलवायु परिवर्तन एक बड़ा चैलेंज बनकर उभरा है, जिससे निपटने के लिए वैश्विक लीडर का एकजुट होना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। लेकिन बीते सालों में खासकर अमेरिका में हुए सत्ता परिवर्तन के कारण जलवायु परिवर्तन के लिए किए जा रहे वैश्विक प्रयासों में थोड़ी शिथिलता आई हुई है। जैसे कि ट्रंप प्रशासन द्वारा खुद को पेरिस सम्मेलन से अलग कर लेना, लेकिन जब अमेरिका में दोबारा सत्ता परिवर्तन हो चुका है, नए राष्ट्रपति जो बाइडेन पेरिस सम्मेलन को दोबारा खड़ा करने में अपना सहयोग देने को लेकर अपनी प्रतिबद्धता जाहिर कर चुके हैं। इन्हीं सब परिस्थितियों में जो बाइडेन द्वारा जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर चर्चा के लिए नियुक्त किए गए विशेष दूत जॉन कैरी भारत आए थे। उन्होंने किन किन प्रमुख विषयों पर बात की, जॉन कैरी ने भारत की तारीफ करते हुए कहा कि भारत के पास विकास की जबरदस्त अवसर है। कोरोना महामारी के बीच भारत ने वैक्सीन का निर्माण व बड़े स्तर पर उत्पादन कर उसे दुनिया के देशों में सप्लाई किया है। जलवायु परिवर्तन को लेकर भारत में कई ऐसे काम किए गए हैं जिनकी तारीफ की जानी चाहिए। भारत निर्विवाद रूप से विश्व का एक लीडर है। लैंगिक समानता की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि महिलाओं के नेतृत्व को बढ़ावा दिए जाने से न केवल आर्थिक प्रगति और विकास होगा, बल्कि ये जलवायु परिवर्तन के खतरे से निपटने के लिए भी जरूरी है। उन्होंने साउथ एशिया वीमेन एंड एनर्जी के डिजिटल कार्यक्रम में जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में भारत अमेरिका के संबंधों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि भारत की वैश्विक मंच पर एक बड़ी भागीदारी है। इस सम्मेलन में भारत और अमेरिका सहित दक्षिण एशिया के कई विशेषज्ञों ने जलवायु संकट से लड़ने के लिए लैंगिक समानता की भूमिका पर चर्चा की। जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया जा रहा है, यह सम्मेलन 22 और 23 अप्रैल को होने जा रहा है। इसके बाद इसी साल नवंबर के महीने में यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन यानी COP26 भी होने जा रहा है, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी हिस्सा लेंगे। व्हाइट हाउस के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दुनिया भर के 40 बड़े लीडर्स, जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल हैं, 2 दिन के वर्चुअल क्लाइमेट समिट में क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए आवश्यक आर्थिक और सामाजिक पहलुओं की बात की जाएगी। व्हाइट हाउस ने कहा है कि लीडर समिट में COP26 का उद्देश्य तापमान परिवर्तन में 1.5 डिग्री सेल्सियस के उद्देश्य से नीचे रखा जाएगा। कार्बन के शून्य उत्सर्जन को लेकर भारत की स्थिति क्या है, इस सवाल का जवाब यह है कि अमेरिका और चीन के बाद भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करने वाला देश है। जॉन कैरी की भारत की यात्रा का मकसद यह भी है कि भारत को 2050 तक नेट जीरो उत्सर्जन का संकल्प लेने के लिए राजी किया जा सके। हम आपको ये भी बता देते हैं कि नेट जीरो एमिशंस यानी कार्बन के शून्य उत्सर्जन क्या होता है।
कार्बन को खत्म करने की प्रक्रिया को नेट जीरो कहा जाता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कोई देश अपने उत्सर्जन को शून्य पर लेकर चला जाए। नेट जीरो एमिशंस का मतलब एक ऐसी अर्थव्यवस्था तैयार करना जिसमें जीवाश्म ईंधनों का इस्तेमाल बिल्कुल खत्म हो जाए। नेट जीरो एमिशंस के तहत ईंधन की वैकल्पिक व्यवस्था करनी होती है जिसमें सभी उद्योग संचालित हो, कार्बन उत्सर्जन करने वाली दूसरी चीजों का इस्तेमाल बिल्कुल कम करना होता है, जिन चीजों से कार्बन उत्सर्जन होता है उसे सामान्य करने के लिए कार्बन सोखने का इंतजाम भी करना होता है। आपको बता दें कि धरती की 3% जमीन पर स्थित शहर दुनिया का 70% कार्बन उत्सर्जन करते हैं। कहा जा रहा है कि अगर दुनिया के तापमान को आधी सदी तक 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने से रोकना है तो शहरों को नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करना ही होगा। भारत कैसे इस दिशा में आगे बढ़ सकता है? अगर दुनिया के तापमान को आधी सदी तक 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने से रोकना है तो शहरों की नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करना ही होगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम की हालिया रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत समेत दुनिया के शहर यह लक्ष्य कैसे हासिल कर सकते हैं। इस रिपोर्ट का नाम नेट जीरो कार्बन सिटी इन इंटीग्रेटेड अप्रोच। इस रिपोर्ट में वैश्विक ढांचे और एकीकृत ऊर्जा के दृष्टिकोण की सिफारिश की गई है। इसमें स्वच्छ विद्युतीकरण, स्मार्ट डिजिटल तकनीकी, एफिशिएंट बिल्डिंग पर जोर दिया गया है। वहीं पानी, कचरे और सामग्रियों के लिए सर्कुलेशन इकोनॉमी को अपनाना होगा। इन सब के जरिए ही शहरों को भविष्य के जलवायु संकट और स्वास्थ्य संबंधी संकटों का सामना करने के लिए तैयार किया जा सकता है।